नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। मैं रत्नचंद भारती। आज हम बात करेंगे बिहार के चार खिलाड़ियों के बारे में जिनका कि आईपीएल में लाखों और करोड़ों में बोलियां लगी है। पिछले दिनों आईपीएल 15 की बोली लगी यानी कि ऑक्शन समाप्त हुआ। दो दिनों तक चले इस ऑक्शन में 204 खिलाड़ियों को सभी टीमों ने पसंद किया। बता दें कि इस ऑक्शन में 600 खिलाड़ी शामिल थे। बता दें कि इस नीलामी में भारत के बाएं हाथ के बल्लेबाज ईशान किशन सबसे महंगे खिलाड़ी रहे, जिन्हें मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ रुपये में खरीदा। ऑक्शन के पहले दिन ईशान किशन के बाद दीपक चहर जिन्हें 14 करोड़ रुपये और श्रेयस अय्यर को 12.25 करोड़ रुपये में खरीदा गया। आइए अब बात करते हैं बिहार के खिलाड़ियों के बारे में। बिहार की तरफ से इस बार 6 खिलाड़ियों का नाम आईपीएल ऑक्शन में था, जिनमें से 3 खिलाड़ियों को टीमों की तरफ से चुना गया और वे हैं शहबाज नदीम, अनुनय नारायण सिंह और अनुकूल राय। आईपीएल 15 में हम इन खिलाड़ियों को हम खेलते हुए देख सकते हैं। बिहार टीम के लिए रणजी खेलने वाले अनुनय नारायण सिंह को राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख रुपये में खरीदा है। वहीं शहबाज नदीम को 50 लाख रुपये में लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने खरीदा है। तो वहीं समस्तीपुर के हरफरमौला खिलाड़ी अनुकूल राय को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। आपको बता दें कि अनुनय वैशाली जिले के सहदेई के रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में वे दिल्ली में हैं। अनुनय को राजस्थान रॉयल्स की टीम ने खरीदा है। अनुनय ने बिहार के लिए 9 विजय हजारे ट्रॉफी, 1 रणजी और 1 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को मिलाकर अगर हम देखें तो 11 मैचें वो बिहार के लिए खेल चुके हैं। बता दें कि विजय हजारे मैच के दौरान ही मुंबई के खिलाफ खेलते हुए अनुनय ने रोहित शर्मा के खिलाफ गेंदबाजी कर चुके हैं। अनुनय ने अपने करियर की शुरुआत साल 2018-19 में विजय हजारे ट्रॉफी से किया था। वहीं मुजफ्फरपुर के शहबाज नदीम आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट से खेलते हुए नजर आएंगे। बता दें कि नदीम दिल्ली और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल चुके हैं। उन्होंने साल 2011 आईपीएल में अपना डेब्यू मैच खेला था। नदीम के पिता रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। लखनऊ फ्रेंचाइजी से जुड़ने पर उन्होंने अपनी खुशी जताई है। समस्तीपुर के हरफरमौला खिलाड़ी अनुकूल राय कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलते हुए दिखाई देंगे। अनुकूल के पिता सुधाकर राय ने अपनी बेटे की इस अपनी प्रतिभा को लेकर जो है उन्होंने खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि अनुकूल जबरदस्त परफॉर्मेंस करेगा। वे पहले झारखंड के अंडर 16 टीम के सदस्य बने, इसके बाद उन्होंने अंडर 19 का प्रतिनिधित्व किया। 2016 में अनुकूल को अंडर 19 का भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने जो है उन्हें अंडर 19 टीम में शामिल किया था। इसके बाद से वे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे और आज जो है आईपीएल 15 में जो है उनका चयन हुआ है। इससे जो है एक तरह से कहने पूरा बिहार जो है गौरवान्वित है। हम बात करते हैं बिहार के उस शानदार खिलाड़ी के बारे में जिनका आईपीएल 15 में सबसे ज़्यादा बोली लगी यानी कि सबसे महंगे खिलाड़ी चुने गए हैं। अब तक आप उस खिलाड़ी का नाम समझ गए होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईशान किशन के बारे में। उनकी पुरानी टीम मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ रुपये में उन्हें खरीदा है। बता दें कि ईशान किशन का बेस प्राइस 2 करोड़ था। उनके लिए मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में कांटे की टक्कर मिली। अंत में किशन अपनी पसंद की टीम में ही गए। ईशान किशन के लिए अगर हम आईपीएल मैचों की औसत को देखें तो 61 मैचों में 28.5 की औसत से 1452 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट था 136.3 रहा। तो एक तरह से कह लें कि आईपीएल 15 के सीजन में बिहार का खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिल सकता है और हो भी क्यों नहीं। बिहार के ईशान किशन जो हैं वो सबसे महंगे खिलाड़ी हैं और ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि ईशान किशन के बल्ले से खूब छक्के और चौके देखने को मिलेंगे। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।